वो वाली कौन सी कराई थी? अरे पढ़ भी लिया करो, डिफरेंस होगी कब की, और प्रोडक्ट थ्योरम कराई थी लास्ट कौन? हाँ कंसिडर के बाद करना था। आगे शुरू करें, थोड़ा सा पिछला रिवाइज कराते हैं और थोड़ा फिर आगे बढ़ते हैं। मैंने क्या बोला था आपको पहले एक बार देखो, जब भी सीक्वेंस एन ए पे कन्वर्ज करेगा तो क्या मन में ख्याल आएगा बताओ, बताओ क्या ख्याल आएगा? मॉड ए किससे छोटा होगा? फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू व्हाट? एन नॉट, राइट ना? और मैं बोलूंगा कि सीक्वेंस ए एन इज बाउंडेड, तो मन में क्या ख्याल आएगा फिर से बताओ? मॉड ए एन इज लेस देन इक्वल टू के फॉर ऑल, और के कैसा रियल नंबर होगा एक? अरे पॉजिटिव ना, याद है ये बात? और अगर एक से ज्यादा सीक्वेंस होंगे तो एन नॉट की जगह क्या आएगा? एन वन और फिर एन नॉट को कैसा चूज करोगे? करेक्ट। आ जाओ बोर्ड पे, आज की थ्योरम वन। मैं धीरे धीरे कुछ सिखा रहा हूँ आपको, सीखो मेरे से फिर से। कहता है स्क्वायर थ्योरम नाम है इसका, स्क्वायर थ्योरम। क्या कहता है? इफ अगर सीक्वेंस ए एन ए पे कन्वर्ज कर रहा है तो उसका स्क्वायर कहाँ कन्वर्ज करेगा? पूछ रहा हूँ आपसे भाई, ए स्क्वायर पे करेगा ना? मेरे साथ प्रूफ करना है सब बच्चों को, बहुत इजी तरीका है, मैंने सिखाया हुआ है। प्रूफ कैसे लिखते हैं? पहले सबसे पहले शो क्या करना है कि ए एन स्क्वायर कहाँ कन्वर्ज करेगा बेटा, फिर लेट एप्सिलॉन पॉजिटिव बी गिवन, याद है ना आपको सबको? फिर जो शो करते हैं उसकी डेफिनेशन क्या थी? देयर एग्जिस्ट एन नॉट कोई नेचुरल नंबर है सच दैट एन स्क्वायर माइनस की लेस देन फॉर ऑल द टर्म्स ग्रेटर देन इक्वल टू व्हाट? अब इसमें से कंसिडर क्या करूं? यस, कंसिडर क्या करूं मेरे बेटा? मॉड ए एन स्क्वायर माइनस। अब इसको इस तरह से सॉल्व करो, आपको गिवन क्या है यहां पर बताओ? ए एन किस पे कन्वर्ज कर रहा है तो मन में क्या ख्याल आएगा? ए एन माइनस ए। तो क्या आप इसको ए एन माइनस ए ला सकते हैं? कैसे लाओगे? क्या बेटा? ए एन माइनस ए और ओके। अब मेरे बेटा इसको आपको कांस्टेंट बनाना है, क्या बनाना है इसको? तो क्या ट्रायंगल इनइक्वालिटी याद है मेरे बेटा कि मॉड ए प्लस बी इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू मॉड ए प्लस ओके। क्या लेस देन इक्वल टू कर दूं यहां पर, इसको छेड़ता नहीं, और इसकी जगह पे मॉड ए एन प्लस। अब मुझे इसकी जगह पे क्या बनाना है? कांस्टेंट बनाना है ना। लाल पेन आएगा अब, जो आपको टीचर को नहीं बताना है। ऐसा करूं, एवरी कन्वर्जन सीक्वेंस इज बाउंडेड, कोई भी सीक्वेंस कन्वर्ज करेगा तो वो क्या जरूर होगा? तो इसके जगह पे लेस देन इक्वल टू के ले आता हूं और इसको मॉड ए ही रखता हूं। तो इसकी ये ए एन किस पे कन्वर्ज करता है तो एप्सिलॉन अपॉन क्या कर देता हूं, कट के क्या बचेगा आपके पास? समझ में आ रहा है? कैसे इसकी जगह कांस्टेंट कैसे आएगा? क्योंकि एवरी कन्वर्जन सीक्वेंस इज, कोई भी सीक्वेंस कन्वर्ज करेगा तो बाउंडेड जरूर होगा। तो मॉड एन की जगह लेस देन इक्वल टू क्या आ गया? के। लिमिट कांस्टेंट होती है वैसी रहेगी। इसके जगह पे एप्सिलॉन आना है तो एप्सिलॉन की जगह पे क्या ले आए? एप्सिलॉन अपॉन के प्लस मॉड ए। तो आंसर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? और ये लाल पेन वाली बात टीचर को बतानी नहीं है, ये बात मैंने कह रखी है कि नहीं कह रखी? तो चलिए जी देखिए, लेके आते हैं सब कुछ जो जो अपने को चाहिए। सबसे पहले सीक्वेंस एन, ये गिवन है ना अपने को, कन्वर्ज कर रहा है कहाँ? ए पे। इफ एंड ओनली इफ बताओ एप्सिलॉन की जगह क्या लिखूं? फॉर ईच के प्लस, अरे ऐसे लिखूंगा ना, देयर एग्जिस्ट एन नॉट कोई नेचुरल नंबर है सच दैट मॉड ए एन माइनस ए छोटा होगा एप्सिलॉन अपॉन, करेक्ट है बेटा? एंड एवरी
कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज, कोई भी ऑनलाइन वालों तुम भी बोला करो, एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज, सो देयरफॉर देयर एग्जिस्ट क्या होगा, के क्या कैसा रियल नंबर होगा, एक पॉजिटिव, सच दैट मॉड गल ठीक है बच्चों, तो मॉड एन की जगह के आ जाएगा और इसकी जगह ये आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा ना अपना लास्ट में। देखो अपने को जो चाहिए होता है उसके डेफिनेशन लिख देते हैं, ऐसे ही करते थे ना हर बार। हाँ जी बच्चों ऑनलाइन वालों, हाँ कहीं पे कोई बात नहीं समझ में आई तो बताओ, कहीं पे कोई भी बात आपको समझ में नहीं आई है तो बता सकते हैं आप। अब देखिए नेक्स्ट पेज पे आपका वही, देयरफॉर इक्वेशन वन गिव्स, क्या कहती है इक्वेशन वन, कि मॉड ए एन स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर छोटा बराबर है ए एन माइनस ए और मॉड ए एन प्लस मॉड ए, और ये छोटा होगा एप्सिलॉन टाइम्स के अपॉन मॉड ए इंटू के प्लस मॉड ए फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू व्हाट, फ्रॉम टू एंड थ्री, तो टू थ्री कौन थे, ये थे, ये आपका टू था और ये क्या था आपका, कट गया। देयरफॉर ए एन स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर किससे छोटा है, एप्सिलॉन से, फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू व्हाट, तो ए एन स्क्वायर कन्वर्जेस टू वेयर, ये थ्योरम थी। अरे समझे कि नहीं, कहता है हमारी थ्योरम क्या थी, अगर ए एन ए पे कन्वर्ज करता है तो ए एन स्क्वायर किस पे करता है, कहता है गिव वन एग्जाम्पल दैट कन्वर्स इज नॉट ट्रू, गिव वन एग्जाम्पल दैट कन्वर्स इज नॉट ट्रू, मतलब समझ रहे हो मेरी बात का आप, एक एग्जाम्पल दोगे कन्वर्स ट्रू ना, मतलब क्या कि ए एन स्क्वायर तो ए स्क्वायर पे कन्वर्ज करता हो पर ए एन डज नॉट कन्वर्ज टू, अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो क्या ये एग्जाम्पल चलेगा। देखो ये सीक्वेंस डज नॉट कन्वर्ज ना, हाँ जी बेटा माइनस ए प्लस ए है ना, स्क्वायर करो सभी टर्म्स का, सभी टर्म्स का स्क्वायर करो मेरे बेटा, तो बताओ ये सारा सीक्वेंस कहाँ जाएगा, अरे वन पे जाएगा ना, तो देखो ए एन स्क्वायर तो ए स्क्वायर पे कन्वर्ज कर रहा है पर ए एन कन्वर्ज ठीक, तो स्क्वायर थ्योरम क्या कहती थी, स्क्वायर थ्योरम कहती है अगर ए एन ए पे कन्वर्ज करेगा तो ए एन स्क्वायर ए स्क्वायर पे, बट द कन्वर्स इज, अगर ए एन स्क्वायर ए स्क्वायर पे कर रहा है तो ए एन ए पे कन्वर्ज करे ऐसा जरूरी नहीं है, उसका एग्जाम्पल भी मांग सकता है एग्जामिनर आपसे, लिखो
इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे इन बातों को दोनों को कि माइनस वन टू द पावर एन डज नॉट कन्वर्ज और माइनस वन टू द पावर एन वो एक ही बात है। ठीक है, समझ में आ गई स्टेटमेंट। मेन तो कंसीडर वाला पार्ट समझना होता है कैसे आएगा, और आप घर पे भी जब भी थ्योरम कोई प्रैक्टिस करें ना, वो कंसीडर में कैसे आएगा उस पर ध्यान दे बस। राइट बेटा, चलिए एक आसान थ्योरम और थोड़ा पिछली क्लास को रिवाइज कराने के लिए, स्क्वायर रूट थ्योरम, हेडिंग डाल दीजिए स्क्वायर रूट थ्योरम। यस, दिस इज नॉट एग्जामिनेबल बट यू विल गेट टू नो हाउ टू प्रैक्टिस दीज थ्योरम्स, कैसे लिखते कैसे हैं। इफ सीक्वेंस ए एन कन्वर्जेस टू ए देन सीक्वेंस रूट ए एन कन्वर्जेस टू रूट ए। ये स्क्वायर थ्योरम तो यही होगी ना बेटा, ठीक। देखिए कैसे करते हैं इसको, मजा आ जाएगा आपको। फिर ना जब मैं करा भी दूं तो कोशिश करना थोड़ा बहुत खुद से लिखने की भी, खुद से। सो वंस यू प्रैक्टिस खुद से लिखने की ना, तो आपको लिखना ही आ जाएगा अच्छे से। चलिए जी, क्या शो करना है उसकी डेफिनेशन पहले तो शो क्या करना है बताओ, कि रूट ए एन कन्वर्जेस टू रूट ए, लेट एप्सिलॉन पॉजिटिव भी गिवन ना बेटा, और जो शो करना है उसकी डेफिनेशन, देयर एग्जिस्ट एन नॉट कोई नेचुरल नंबर है रूट ए एन माइनस लेस देन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन नॉट, करेक्ट है। हाँ, क्या कंसिडर करें बता, कंसिडर। अब ऐसा कुछ करो, तुम दिमाग लगाओ अपना 2वीं 10वीं क्लास का, कि ए एन माइनस ए कैसे आएगा, क्योंकि ए एन तो ए पे कन्वर्ज कर रहा है, आपको ए एन माइनस ए चाहिए, तो दिमाग लगाओ कैसे आएगा। 9वीं 10वीं का दिमाग लगा लो, रैशनलाइज कर दें इसको, क्या कर दें इसको, करो जी शाबाश, गुड बेटा। रूट ए एन माइनस रूट ए इंटू प्लस रूट ए एंड डिवाइड बाय दिस ऑल्सो, और करेक्ट है भाई, क्या एक्सप्रेशन आ गया हमारे पास, अपॉन बाय रूट ए एन प्लस। अब इसकी जगह कांस्टेंट लेके आना है, हाँ इसकी जगह कांस्टेंट चाहिए अपने को, इसकी जगह पे कांस्टेंट चाहिए, इसकी जगह पे कैसे आएगा देखो। क्या आप सबको पता है बच्चों कि रूट ए एन प्लस रूट ए हमेशा बड़ा बराबर होगा रूट ए से, क्योंकि जीरो से बड़े ना, अंडर रूट है ना,
अरे अंडर रूट तो पॉजिटिव होता है, नहीं समझे? रूट ए एन प्लस रूट ए किससे बड़ा बराबर होगा? तो वन अपॉन, तो वन अपॉन रूट ए एन प्लस रूट ए किससे छोटा बराबर होगा? अरे समझ में आ रहा है? तो क्या यहां लेस देन इक्वल टू ऐसे लिख दूं, ए एन माइनस ए अपॉन, और इसको इक्वेशन वन मार्क कर लूं कि नहीं? बताओ, अब बताओ, ए एन माइनस ए की जगह क्या रखूं कि एप्सिलॉन आ जाए? ए एन माइनस ए की जगह पे क्या रखूं कि एप्सिलॉन आ जाए? अरे हाँ, माइनस ए की जगह पे रखते हैं ना, ए एन ए पे कन्वर्ज करता है, तो ए एन माइनस ए किससे छोटा होता है? एप्सिलॉन से। तो एप्सिलॉन रखूंगा तो एप्सिलॉन पे रूट आएगा, तो क्या रखूं कि एप्सिलॉन आए? रूट एप्सिलॉन है। तो यार ये सोचना क्या था इसमें, तुम तो ऐसे खो गए जैसे पता नहीं क्या रिसर्च वाली बात है। इसकी जगह पे अगर मैं एप्सिलॉन का रूट लेता हूँ और यहाँ पर क्या लिखता हूँ, तो कट के क्या बचता है? आई बात समझ में कि नहीं? भूल गए थे तो लेके आते हैं। चलो इस लाल पेन वाली बात को मत बताना टीचर को आप। एज सीक्वेंस ए एन कहाँ कन्वर्ज कर रहा है? ए पे ना, इफ एंड ओनली फॉर ईच, क्या लिखूं यहां? अरे ये लिखूंगा ना बेटा, देयर एग्जिस्ट एन नॉट बिलोंग्स टू सच दैट मॉड लेस देन एप्सिलॉन टाइम्स फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू व्हाट, सो देयरफॉर इक्वेशन वन गिव्स, इक्वेशन वन क्या कहती है कि मॉड इज लेस देन इक्वल टू ए एन माइनस ए अपॉन एंड विच इज लेस देन एप्सिलॉन टाइम्स फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू व्हाट एंड विच इज इक्वल टू, सो देयरफॉर मॉड रूट एन माइनस रूट ए किससे छोटा है? फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू व्हाट एन नॉट, तो रूट ए एन किस पे कन्वर्ज कर रहा है? अरे प्रूफ समझ में आया कि नहीं बताइए? कुछ भी नहीं, ये सब सजाने वाला काम है फालतू का। तुम्हें लगेगा इतना सारा कुछ लिखा है, वास्तव में तो ये वाइट वाली बात थी बस जो भी थी। अगर आपको ये वाइट वाली बात आती है तो सब आता है। समझ में नहीं आया भाई, आ गया ना? हो जाएगा, देखेंगे ना, इससे नहीं हुआ फिर भी एक और भी होगा मेरे पास, ऐसे उठ के ही करना पड़ेगा है ना। मेरे ना घुटने में लग गई है इसमें बहुत ज़्यादा।
हो गया। अब दो इम्पोर्टेंट थ्योरम प्रूव करने जा रहा हूँ, ठीक है। और सच बताऊँ, तुम कॉलेज का प्रूफ देखना कितना गंदा होगा, और मेरा प्रूफ ऐसा होगा बिल्कुल एकदम फुर, इतना इजी। और कॉलेज वाले तुमसे लड़े ना तो बताना गलत कैसे है। मैं तो तीन तरीके से प्रूव कर सकता हूँ कोई भी थ्योरम को, मेरे को टेंशन नहीं है। पर आई रियली वॉन्ट टू गिव माई स्टूडेंट्स द बेस्ट मेथड, ईजिएस्ट मेथड दे कैन रिमेंबर ऑलवेज, राइट। सो वी आर गोइंग टू डू टू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम्स, ठीक है, लिखिए नेक्स्ट। तो दो इंपॉर्टेंट थ्योरम करने जा रहे हैं हम लोग। द फर्स्ट थ्योरम इज बाउंडेडनेस थ्योरम, द हेडिंग इज बाउंडेडनेस। बाउंडेडनेस थ्योरम बोलते हैं इसको, कहता है एवरी कन्वर्जेंट sequence is bounded. आप भी सोच रहे होंगे सर थ्योरम थ्योरम करा रहे हैं, क्योंकि मेन स्ट्रगल ना थ्योरम है। पहले क्वेश्चंस तो आप ऐसे बहुत, मतलब जब थ्योरम इजी होगी ना तो क्वेश्चन तो भूल जाओ, क्वेश्चन तो सबसे इजी है इस मतलब। तो थ्योरम पे अगर कंट्रोल आ गया तो मतलब पेपर पे कंट्रोल आ गया। तो पहले एवरी कन्वर्जन सीक्वेंस इज, तो क्या कह रहा है क्वेश्चन में कुछ समझ में आया कि कन्वर्जन, कोई भी सीक्वेंस अगर कन्वर्ज करता है तो वो क्या जरूर होगा? कन्वर्जेंट इंप्लाइज व्हाट? बाउंडेडनेस। तो अपने को पता क्या है और शो क्या करना है, बताओ ना क्या शो करना है। हाँ प्रूव करना है बाउंडेड है। हाँ तो आओ क्या शो करना है बताओ भाई, टू शो सीक्वेंस एन इज बाउंडेड, है ना। तो जो शो करना है उसकी डेफिनेशन, देयर एग्जिस्ट के क्या है, एक पॉजिटिव रियल नंबर है, सच दैट मॉड इज लेस देन इक्वल टू के फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू व्हाट? अरे बोलो ना मेरे बेटा, इसमें क्या कंसिडर करूं? जिसको शो करना होता है उसे कंसिडर करते हैं ना, तो मॉड एन कंसिडर करूं ना। अरे बोलो, रुको सुनो मेरी बात सर। अब आपको पता क्या है, कन्वर्ज करता है, तो मान लो एन ए पे कन्वर्ज करता है तो मन में क्या ख्याल आएगा, क्या यहां एन माइनस ए है, क्या ला सकते हो, कैसे? वेरी गुड, ले आए जी, आ गया ए एन माइनस ए, आ गया ना। क्या ट्राइंगल इनइक्वालिटी से ऐसे लिखूं लेस देन इक्वल टू मॉड? करेक्ट। अब मेरे बेटा इधर लाल पेन वाली बात, ये ए एन माइनस ए किससे छोटा होगा और यहाँ क्या प्लस, तो इसको क्या मैं के मान सकता हूँ? अरे एप्सिलॉन भी जीरो से बड़ा होता है और मॉड भी जीरो से बड़ा, तो क्या ए एन छोटा बराबर के से आया कि नहीं आया? आपको यही शो करना था कि नहीं करना था बताओ। अरे गल क्लियर है? हाँ जी बेटा, ऑनलाइन वालों, ऋतिक शर्मा आर्यन, तो लाल पहने वाली बात टीचर को बतानी नहीं है, तो आपके लिए है वो बात। तो अब जो पता है वो ले आओ, क्योंकि आपको पता है लेट, आप लेट क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि यहां सीक्वेंस नहीं दिया हुआ आपका। तो लेट सीक्वेंस एन कन्वर्जेस टू वेयर, तो इफ एंड ओनली इफ फॉर ईच एप्सिलॉन पॉजिटिव देयर एग्जिस्ट एंड नॉट कोई नेचुरल नंबर है, सच दैट मॉड एन माइनस ए किससे छोटा होगा, फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन नॉट। सो देयरफॉर इक्वेशन वन गिव्स, देयरफॉर इक्वेशन वन गिव्स, क्या कह रही है इक्वेशन वन, कि भाई मॉड ए एन जो है छोटा बराबर है ए एन माइनस ए प्लस, और वो छोटा है किससे, एंड लेट एप्सिलॉन प्लस मॉड ए बी व्हाट,
के. सो देयर फोर कैन वी राइट दैट मॉड एन इज लेस देन इक्वल टू के फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन नॉट. तो सीक्वेंस ए एन इज, अरे बोलो भाई, फ्रॉम टू. तो टू भी लिख देता है ना किसी इक्वेशन पे. लो इसमें है ही क्या रॉकेट साइंस बताओ. हम तो हर बार कह रहे हैं जो चाहिए होता है हम ले आते हैं. तो हर कन्वर्जन सीक्वेंस बाउंडेड होता है बेटा, ठीक है. ये थ्योरम है आपकी. अगर कॉलेज के टीचर्स तुम्हारे पुराने होंगे तो तुरंत देखते पहचान जाएंगे तुम अल्फा प्लस में पढ़ते हो, लेकिन नए टीचर होंगे तो शायद नहीं पहचान पाएंगे. क्योंकि ये टू शो वाला तरीका ना, ये अल्फा प्लस का ही है. कुछ नहीं समझ में आ रहा ना बेटा तेरे को तो. मैं तो क्लास में घुसने से पहले ही कहा था, पर फिर भी देख ले बैठ जा. मैं तो ये कहता हूँ कि कैसा पढ़ा रहे हैं हम लोग, इनसे बातचीत कर, इनको समझ में आ रहा होगा तो तेरे को भी आ जाएगा बेटा, ठीक है. कुछ बच्चे ऑनलाइन आते हैं, कुछ ऑफलाइन आते हैं, कुछ वीडियो देखते हैं, तो ऐसे चलता है. तो आप पंजाब में कहाँ से हो? उत्तराखंड में कहाँ से? काशीपुर. अच्छा, तो मैथ्स में कितने मार्क्स आए थे ट्वेल्थ में? 94. बस हैं? तुम्हारे कितने थे? मेरे तो बहुत कम थे, 70 अराउंड थे. फिर भी तेरे को देखो मिल गया. सीयूटी के हिसाब से मिल गया. हाँ, सीयूटी के हिसाब से मिला. अच्छा, तुम्हें भी सीयूटी के हिसाब से मिला ना. हाँ, तेरा साथी तो अब क्लास में आता ही नहीं होता. हाँ, वैसे ख़राब कर लेगा अपना सिस्टम सारा. तुम दोनों साथ ही रह रहे हो अभी? अच्छा, तुम? अच्छा, लिख लिया बेटा आपने सबने? तो मतलब कन्वर्ज करता है कोई सीक्वेंस तो वो बाउंडेड जरूर होगा, याद रखना ये बात. हाँ, एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड. हो गया. कहता है गिव वन एग्जांपल दैट कन्वर्स इज नॉट ट्रू. गिव वन एग्जांपल दैट कन्वर्स इज नॉट ट्रू. हाँ, वो भी बोल सकते हैं. जैसे कि ये सीक्वेंस है, वन टू देता हूँ, अलग अलग देता हूँ ना. वो भी है, वो भी है. देखो ये बाउंडेड है ना सीक्वेंस, पर कन्वर्ज. हाँ, बट डज नॉट कन्वर्ज. ठीक है बेटा. ऐसे माइनस वन वन वाला भी दे सकते थे आप बेटा, ठीक है. माइनस वन वन वाला बाउंडेड तो होता लेकिन कन्वर्ज नहीं होता. तो कन्वर्ज इज नॉट ट्रू का मतलब कि बाउंडेडनेस डज नॉट इम्प्लाइज कन्वर्जेंस. कि अगर कोई सीक्वेंस बाउंडेड है तो वो कन्वर्ज करे ऐसा जरूरी नहीं है. नहीं है.
ठीक है बेटा, क्लास में कितने बच्चे हैं तुम्हारी? 87? बस खालसा, आते हैं क्लास में? तेरे कोड़ी में कौन सा कॉलेज तेरा? अच्छा, पीजी में कोड़ी मिल लगा देते हैं। रामजस तो अच्छा कॉलेज है, कोड़ी मिल भी अच्छा है, खालसा भी अच्छा है। तो हो गया नेक्स्ट थ्योरम। कोई भी सीक्वेंस कन्वर्ज करेगा तो उसकी यूनिक लिमिट होगी। कोई भी सीक्वेंस कन्वर्ज करेगा तो उसकी कैसी लिमिट होगी? तो थ्योरम नेक्स्ट, इसको यूनिकनेस थ्योरम भी बोलते हैं। कन्वर्जेंट सीक्वेंस हैज अ यूनिक लिमिट, हैज अ, बोर्ड पे देखो सब लोग बच्चे। अब ये थोड़ा सा आसान बना के बताते हैं तुमको। प्रूफ, तो लिमिट यूनिक होनी चाहिए, एक ही होनी चाहिए मतलब। तो लेट एक सीक्वेंस है ए एन जो एल पे कन्वर्ज कर रहा है, और एक सीक्वेंस है ए एन जो एल डैश पे कर रहा है। तो दो लिमिट हो गए ना, एल और एल डैश। और आपको क्या शो करना है कि एल किसके बराबर है? एल डैश। रुको, शांति से ऑनलाइन वाला ऑफलाइन वाला सब सुन लो। मुझे कभी भी दो नंबर्स को अगर बराबर दिखाना हो ना, तो मैं क्या करता हूं, मैं उन दोनों नंबर के डिफरेंस को लेस देन एप्सिलॉन दिखा देता हूं। तो लेस देन एप्सिलॉन का मतलब दोनों नंबर का डिफरेंस क्या हो गया? तो एक इसके बराबर हो गया। अरे आई बात समझ में? जब भी मुझे दो नंबर को बराबर दिखाना हो तो दोनों नंबर के डिफरेंस को किससे छोटा दिखा दो। ये बात पहले भी बताई हुई है डेफिनेशन ऑफ एप्सिलॉन में। तो देखो, तो क्या कंसिडर करूं बताओ यहां पर जल्दी से सब बच्चे। व्हाट शुड आई कंसिडर हियर? क्या मैं कंसिडर मॉड एल माइनस एल डैश करूं, और मुझे इसे किससे छोटा दिखाना है? अच्छा जी, आपको क्या पता है ए एन किस पे कन्वर्ज करता है? क्या ख्याल आएगा मन में? एल आएगा ना, मॉड एन माइनस एल, और ए एन एल डैश पे भी करता है, तो क्या ख्याल आएगा? ए एन माइनस एल डैश। क्या यहां पर कहीं है ए एन माइनस एल और ए एन माइनस एल डैश? ला सकते हो? कैसे? प्लस माइनस कर दो ना यार, क्या सोचते हो तुमने बच्चों इधर हैं। तो क्या मैं इसमें ए एन एड सब्ट्रैक्ट कर सकता हूं? क्या ट्रायंगल इनइक्वालिटी लगा दो, मॉड ए प्लस बी इज मॉड ए प्लस, याद है आपको ये बात? और मॉड में उल्टा सीधा जैसा भी हो सही कर सकते हैं। करेक्ट है ना ये बात? अब बताओ ए एन किस पे कन्वर्ज कर रहा है? तो यहां पर लाल पेन से क्या लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 आ सकता है? और यहां पर भी, और तो किसके बराबर आ जाएगा ये? अरे समझ में आ रहा है, एक सारा खेल ही कंसिडर वाले पार्ट का है। आपको हर बार कन्वर्जन सीक्वेंस की डेफिनेशन लगानी होती है, तो वो लाना भी तो पड़ेगा। तो लाल पेन वाली बात टीचर को नहीं बतानी है, वो अपने समझ के लिए। तो एज, अब दोनों डेफिनेशन लिख रहा हूं, देखो ए एन कन्वर्ज करता है एल पे इफ एंड ओनली इफ फॉर ईच एप्सिलॉन। अब दो सीक्वेंस है तो एक एन वन हो जाएगा यहां पर, राइट? सच दैट मॉड ए एन माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू व्हाट। ऐसे ही ए एन किस पे करेगा ऑल्सो?
एन कन्वर्ज करेगा एल डैश पे इफ एंड ओनली इफ सारी कहानी सेम देयर एग्जिस्ट एन वन की जगह क्या आ जाएगा अब सच दैट इज लेस देन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू व्हाट एंड लेट एन नॉट बी यस Let n not be the maximum of n1 and n2. तो इसका मतलब ये बात सच है उन सब नंबर्स के जो किससे बड़े बराबर n0. Therefore equation one gives format is not going to change. मॉड एल माइनस एल डैश क्या छोटा बराबर आ रहा है प्लस ए एन माइनस और वो छोटे किससे आ रहे हैं फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू फ्रॉम टू बेटा है ना एन विच इज इक्वल टू सो देयर फॉर मॉड एल माइनस एल डैश एप्सिलॉन से छोटा है सो दिस मीन्स कि एल माइनस एल डैश किसके बराबर है तो एल किसके बराबर है यही प्रूव करना था क्या मस्त है आसान है ना मुश्किल तो नहीं है एक ही पैटर्न चल रहा है बेटा कोई नया कुछ नहीं कर रहा हूं मैं इसमें उतारो शाबाश हाँ बेटा मॉड में ए माइनस बी सेम एज बी माइनस है मॉड में अच्छा थ्री माइनस टू क्या वन टू माइनस थ्री वन हाँ वहाँ बगल में लिख भी था ना अपनी कॉपी में तो बेशक कि मॉड ए माइनस बी सेम एज मॉड बी माइनस ए तो याद रह जाएगा ऐसा उत्तराखंड में रामपुर से हो ना आप तो अच्छा राम जहाँ से आजम खान लड़ता है हाँ हाँ जानता हूँ काशीपुर वहीं पे वहाँ तो सिखों के बहुत बड़े बड़े फार्म्स हैं वहाँ मुस्लिम्स भी बहुत है ना 50-50 पॉपुलेशन हो गई हिंदू मुस्लिम की हाँ उस रास्ते से ही जिम कॉर्बेट जाते हैं नैनीताल भी जाते हैं उस रास्ते से ये जो भैया आए थे आपके कजन हैं ये रियल ब्रदर हैं अच्छा जी अच्छा हाँ ये तो वो हॉस्टल में रुक नहीं सकते ना तो इसलिए वहाँ चले गए होंगे हमारा पंजाबी बाग में भी सेंटर है ना पटेल नगर के पास और भी किसी कोचिंग में गए थे तुमने पता किया था और कोई कोचिंग नहीं मैं तो गूगल से देख के आया सब गूगल से देख के आते हैं यहाँ गूगल पे कहीं मैथ्स वॉन्स लिखा नहीं है हमारा मैंने डाला था ऑफलाइन कोचिंग को बेस्ट ऑन मैथ तो अल्फा प्लस आ गया सबसे ऊपर नहीं अल्फा प्लस सबसे डीप इंस्टीट्यूट है यहाँ पे कोई है मेरे को आपको पता होगा अच्छा और बहुत ज़्यादा दूर तो ये दिखा था दिल्ली तो ये आपकी वेबसाइट में देखा था वेबसाइट में मैथ्स ने लिखा हम मैथ्स को प्रमोट नहीं करते तो अपने आप ही चलता हमारा
मैं समझता हूँ हमारा नंबर वन प्रोडक्ट था लॉकडाउन से पहले, अब दोबारा हो जाएगा तो इसको हम प्रमोट नहीं करते थे। मैथ्स ऑनर्स, स्टैट्स ऑनर्स, इकोनॉमिक्स ऑनर्स, नहीं वो स्लो चलेंगे तब उनको बहुत स्लो चल के देखो एक बार, तब भी समझ में नहीं आएगा। पता नहीं क्यों क्या पढ़ाते हैं, कैसे पढ़ाते हैं। तो प्रॉप स्टैट्स के लेक्चर देखे तूने? तुम तो कर ही लिया तुम तो, हाँ तू कॉलेज में तो टीचर जब बन रखा होगा तू। नहीं लेता, अटेंड नहीं करता। क्या पूछेंगे यार, मीन वेरिएंस पूछेंगे तेरे से? तूने वीडियो देख ली थी वो जो दिए थे मैंने? हाँ पूरे कवर हो गए वो? आ रहा है उसमें समझ में, वीडियो में नहीं आ रहा? बहुत अच्छी तरह से आ रहा है। अगला पेज अच्छा बहुत आसान है प्रॉप स्टैट्स तो। वो वीडियो भी अच्छी है काफी। हो गया बेटा लिख लिया। तो ये था यूनिकनेस थ्योरम, बोलते हैं इसको यूनिकनेस थ्योरम, कि कोई भी सीक्वेंस कन्वर्ज करेगा उसके लिमिट कैसी होगी? यूनिक होगी बेटा, एक ही होगी बेटा। अगर दो भी लेके चले हम तो एक ही आ गए ना लास्ट में। अब देखो आगे हेडिंग डालते हैं साइन लेमा। जब भी हम वर्ड यूज करते हैं ना लेमा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। कहते तो हैं किसी बड़े रिजल्ट का छोटा सा पार्ट होता है, लेकिन सारी थ्योरम इसी पर टिकी होती है। ठीक है, सारी थ्योरम किस पर टिकी है? जैसे मान ले तेरे को कोई थ्योरम प्रूव करनी है, ठीक, तो तेरे कंधे पे ये पूरा बोझ जो टंगा है ये लेमा है। इसके बेसिस पे ही थ्योरम प्रूव होगी। थ्योरम बहुत छोटी सा पार्ट है, मेन लेमा होता है सब कुछ। ठीक है, तो लेमा क्या कहता है? पहला लेमा क्या कहता है? लेट ए एन ए पे कन्वर्ज कर रहा है, ठीक। इफ बोर्ड पे ध्यान से पेन छोड़ दीजिए प्लीज। अगर सीक्वेंस की सारी टर्म जीरो से बड़ी बराबर है, सीक्वेंस के सारे टर्म किससे बड़े बराबर हैं? जीरो से, तो उसकी लिमिट भी जीरो से बड़ी बराबर होगी। ठीक, उदाहरण देता हूं, समझ में आएगा। ये इसमें कुछ गलती भी है, पता चलेगी, गलती मिल जाएगी आपको। ओके, फर्स्ट एग्जांपल, बोर्ड पे सारे बच्चे मेरे साथ, 1.9 1.99, बताओ ये कहाँ कन्वर्ज करेगा सीक्वेंस? टू पे, टू इसकी लिमिट होगी ना। बताओ सीक्वेंस की सारी टर्म क्या जीरो से बड़ी हैं? ये पूछ रहा हूँ भाई, और लिमिट भी किससे बड़ी है? गॉट इट भाई, सीक्वेंस टर्म जीरो से बड़ी तो लिमिट भी। एग्जांपल टू, 1/2, 1/3, 1/4,
वन बाय फाइव, ये सीक्वेंस कहाँ कन्वर्ज करेगा? जीरो पे, राइट? क्या सीक्वेंस की सारे टर्म जीरो से बड़ी हैं? लेकिन लिमिट क्या है? मतलब पॉजिटिव टर्म वाले सीक्वेंस की लिमिट जीरो हो सकती है कि नहीं हो सकती? पॉजिटिव टर्म वाले सीक्वेंस की लिमिट क्या हो सकती है? पक्का? अगर मैं एग्जांपल वन और टू को दिमाग में रख के चलूं और ये स्टेटमेंट लिखूं, तो बताओ ये स्टेटमेंट ठीक होगी कि गलत? अगर सीक्वेंस की सारी टर्म जीरो से बड़ी है तो लिमिट जीरो से बड़ी बराबर होगी। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है फॉल्स? ट्रू है ऑफ कोर्स। देखना बेटा इधर, सीक्वेंस सारी टर्म जीरो से बड़ी, सीक्वेंस सारी टर्म जीरो से बड़ी, वहां लिमिट जीरो से बड़ी, यहां लिमिट जीरो। तो अगर सीक्वेंस की सारी टर्म जीरो से बड़ी है तो लिमिट जीरो भी हो सकती है और जीरो से बराबर। तो ये इक्वल टू की जरूरत हमें फिर भी दिया हुआ है, तो क्यों दिया हुआ है? उसके लिए तीसरा एग्जांपल लिखना जरूरी है मेरा। तीसरा एग्जांपल क्या कहता है? कि अगर सीक्वेंस की सारी टर्म जीरो हैं तो वो कहां कन्वर्ज करेगा? यस, तो अगर ए एन जीरो है फॉर ऑल द टर्म्स तो उसकी लिमिट भी क्या होगी बेटा? तो अगर ये वाला केस ऐड कर दूं तो ये ठीक है ना फिर तो? लेकिन वन और टू को ऐड करूं तो ये ठीक है कि नहीं, बताओ? अरे बोलो बेटा। तो इसी तरीके से क्या ये बात भी लिखी जा सकती है कि अगर सीक्वेंस के सारे टर्म जीरो से छोटी हैं तो लिमिट कैसी हो सकती है? जीरो से छोटी या जीरो, है ना बेटा? या सीक्वेंस के सारे टर्म जीरो से छोटे बराबर हैं तो लिमिट कैसी हो सकती है? जीरो से छोटी या बराबर। क्या ये दोनों स्टेटमेंट भी ट्रू हैं कि नहीं है? तो साइन लेना, साइन। अगर टर्म्स पॉजिटिव तो लिमिट भी पॉजिटिव, टर्म नेगेटिव तो लिमिट भी साइन लेमा बोलते हैं इसको बेटा। क्लियर हो गया साइन लेमा क्या कहता है? अगर सीक्वेंस की सारी टर्म जीरो से बड़ी हैं तो लिमिट भी जीरो से बड़ी या जीरो के बराबर हो सकती है। नोट, एक पॉजिटिव या नेगेटिव टर्म वाले सीक्वेंस की लिमिट जीरो हो सकती है कि नहीं? एक पॉजिटिव या नेगेटिव टर्म वाले सीक्वेंस की लिमिट जीरो हो सकती है? हाँ, पॉजिटिव था तो जीरो हो गई, नेगेटिव था तो हो सकती है ना? उतारिए प्लीज।
जब मर्जी हूँ, टेंशन क्या है, टेंशन मत, नहीं मार्च में होंगे, देखते हैं क्या होगा, समझ में आ गया बेटा ये। हाँ, ऑर्डरिंग थ्योरम, ऑर्डरिंग थ्योरम ये क्या कहती है, प्लीज मैं ए एन ए करता हूँ, बी एन बी करता हूँ, तो किताब में लिखा होगा एक्स एन एक्स और वाई एन वाई, कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे ठीक है, वो नाम है यार, शाम बोलो राम बोलो, तो मैं ए एन बी एन लेके चलता हूँ, आपकी बुक में एक्स एन वाई एन लिखा हुआ है, तो एक्स एन को ए एन मान लेना, एंड सो ऑन व्हाट एवर इट इज, ए एन कन्वर्जेस टू ए एंड बी एन कन्वर्जेस टू बी, ठीक है जी। इफ अगर एक सीक्वेंस की सारी टर्म छोटी या बराबर हैं दूसरे सीक्वेंस से, तो उसकी लिमिट भी छोटी बराबर होगी। अगर सीक्वेंस ए एन की सारी टर्म छोटी बराबर किससे हैं, बी एन से, तो उसकी लिमिट भी कैसी होगी, छोटी या बराबर होगी। अरे समझे कि नहीं, तो अगर एक सीक्वेंस दूसरे छोटा तो लिमिट भी छोटी, कहने का मतलब ये है। तो इसको बोलते हैं ऑर्डरिंग थ्योरम। साइन लेमा क्या कहता था, अगर सीक्वेंस की सारी टर्म जीरो से बड़ी बराबर हैं तो उसकी लिमिट भी जीरो से बड़ी बराबर होगी। अरे हिंदी में याद करने को बोल रहा हूँ, ऐसे ही याद करने से फ़ायदा होगा, है ना। ऐसे बाउंडेडनेस थ्योरम क्या थी, कि अगर कोई सीक्वेंस कन्वर्ज करता है तो वो बाउंडेड ज़रूर होगा, वो कैसा ज़रूर होगा, हाँ। यूनिकनेस थ्योरम क्या थी, कोई भी सीक्वेंस कन्वर्ज करता है तो उसकी लिमिट कैसी होगी, यूनिक। बहुत सिंपल है बेटा ये तो, है ना, ऐसे ही याद रखना पड़ेगा ना चीज़ों को, हिंदी में याद रखोगे फटाफट याद हो जाएगी सारी चीज़ें। ओके, वैसे छोटा सा प्रूफ समझा देता हूँ, ज़रूरत नहीं है, स्टेटमेंट ही काफ़ी थी वैसे तो। यहाँ से ए बी एन माइनस ए एन करो, क्या आएगा बताओ, बी एन माइनस ए एन क्या जीरो से बड़ा बराबर आएगा, अरे पूछ रहा हूँ भाई, क्योंकि बी एन बड़ा बराबर है ना ए एन से, तो बाय डिफरेंस थ्योरम, डिफरेंस थ्योरम कि बी एन माइनस ए एन किस पे कन्वर्ज करेगा, और अगर बी एन माइनस ए एन जीरो से बड़ा बराबर है तो उसकी लिमिट भी कैसी होगी, होगी ना, सो दैट इज क्या बी बड़ा बराबर ए से होगा, क्या बी एन अगर ए एन से बड़ा बराबर है तो बी भी बड़ा बराबर होगा किससे, क्या यही बात कह रहा था मैं यहाँ पर, मैंने किन दो थ्योरम्स का नाम लिया यहाँ पर, एक तो डिफरेंस थ्योरम और एक साइन लेमा। अरे साइन लेमा का भी तो नाम लिया, कि अगर सीक्वेंस की टर्म जीरो से बड़े बराबर है तो लिमिट भी जीरो से बड़ी। तो हमारा प्रूफ हो गया कि नहीं हो गया, ये पूछेगा कोई नहीं प्रूफ, ये स्टेटमेंट याद रखनी है, प्रूफ नो नो वन इज गोइंग टू आस्क यू दिस। कुछ समय नहीं आ रहा होगा, पर फिर भी
फीलिंग तो अच्छी है या नहीं है वो भी। हाँ कुछ तो पढ़ रहे हैं सर। ठीक है यहाँ तक ओके। थ्योरम का नाम है सैंडविच थ्योरम। या फिर इसको स्क्वीज प्रिंसिपल भी बोलते हैं। ये थ्योरम क्या कहती है, लेट देयर आर थ्री सीक्वेंसेस, ए एन छोटा बराबर है बी एन से, वो छोटा बराबर है सी एन से। इफ अगर पीछे वाला सीक्वेंस एल पे कन्वर्ज करेगा, आगे वाला सीक्वेंस भी एल पे करेगा, तो बीच वाला सीक्वेंस भी कहाँ कन्वर्ज करेगा? सैंडविच थ्योरम। ब्रेड नीचे ऊपर के मुंह में, तो बीच का मसाला भी तो मुंह में है। ठीक है, अगर आगे वाला पीछे वाला, कई बार आप किसी सीक्वेंस को बोलते हैं कन्वर्ज कर दिखाओ जीरो पे, तो आप क्या करते हो, उससे बड़ा सीक्वेंस भी जीरो पे दिखा देते हो, उससे छोटा भी, तो बीच वाला भी कहाँ जाएगा? जीरो पे जाएगा। अरे है कि नहीं, जैसे समझाता हूँ, रुको रुको, उदाहरण उदाहरण। शो दैट ये जीरो पे कन्वर्ज करेगा। पहले तो माइनस वन टू द पावर एन, ये सीक्वेंस बाउंड अबव बाय वन बिलो बाय माइनस वन होगा क्या? ओके, मल्टीप्लाई बाय वन बाय एन, कर दो मल्टीप्लाई वन बाय एन से। अब बताओ लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी माइनस वन बाय एन क्या होगा? यस, और लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी वन बाय एन, अरे वन बाय एन भी तो जीरो ही होगा। तो बाय स्क्वीज प्रिंसिपल लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी माइनस वन टू द पावर एन वन बाय एन क्या होगा? अगर आगे वाला सीक्वेंस जीरो पे जा रहा है, पीछे वाला भी जीरो पे जा रहा है, तो बीच वाला भी कहाँ जाएगा? ये तो कह रहा था मैं अभी तुमसे। एक और देखो उदाहरण, एक और कहता है शो दैट साइन एन अपॉन एन स्क्वायर कन्वर्जेस टू जीरो। सॉल्यूशन, बताओ साइन थीटा की सारी वैल्यू वन और माइनस वन के बीच में होती है कि नहीं होती है? तो साइन थीटा बाउंड अबव बाय वन बिलो बाय, उसको मल्टीप्लाई कर दो वन अपॉन एन स्क्वायर से, कर दिया जी, बताओ कर दिया ना। तो इस पे लिमिट एन टेंस टू इनफिनिटी करो, कहां जाएगा ये? ये भी कहां जाएगा? तो बाय स्क्वीज प्रिंसिपल बीच वाला भी कहां जाएगा? खत्म बात। एप्लीकेशन समझ में आया क्या कर रहा हूं मैं? उससे बड़े वाले को भी जीरो पहुंचा दिया, पीछे वाले जीरो, तो बीच वाला कहां जाएगा? ऑटोमेटिकली जीरो पे जाएगा। इसको व्हाइट वाले की तरह लिखना।